नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल सिविल नोटबुक पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से आप पावर पॉइंट 2007 को यूज करके इस तरीके की एट्रैक्टिव टेक्स्ट एनिमेशन यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो टेक्स्ट एनिमेशन है देखने में बहुत सुंदर लगता है और आप चाहे तो इस तरीके की एनिमेशन को अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं, वीडियोज़ में यूज कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बिगिनिंग से सारा चीज़ क्लियर करते हुए चलूँगा। तो दोस्तों पहले मैं चला जाऊँगा न्यू पे और दोस्तों यहाँ से मैं देखिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूँगा। अब दोस्तों मैं चला जाऊँगा डिजाइन ऑप्शन पे, यहाँ पे है देखिए पेज सेटअप। पेज सेटअप पे जाके मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा 16:9 कर दूँगा। ओके, अब दोस्तों मैं चला जाऊँगा बैकग्राउंड स्टाइल पे और यहाँ पे मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करके मैं कर दूँगा डिलीट। अब दोस्तों मैं सिंपली चला जाऊँगा होम पे और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन है तो इस टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन को मैं ले लूँगा और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना लूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दूँगा टेक्स्ट एनिमेशन। ओके, अब दोस्तों देखिए इसको मैं सेंटर सिलेक्ट कर लूँगा। अब दोस्तों इस टेक्स्ट को मैं पूरा सिलेक्ट कर लूँगा। अब दोस्तों मैं यहाँ से फ्रॉन्ट सिलेक्ट कर लूँगा TWCENMT। ओके, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको कर दूँगा बोल्ड और सिलेक्ट कर लूँगा इटालिक और इसका मैं साइज कर दूँगा इस तरीके से इनक्रीज। ओके, अब दोस्तों मैं चला जाऊंगा अरेंज ऑप्शन पे। अरेंज ऑप्शन पे जाके अलाइन ऑप्शन पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा अलाइन टू सेंटर और इसके बाद अरेंज ऑप्शन पे जाके फिर से मैं सिलेक्ट कर लूँगा अलाइन टू मिडिल। ओके, अब दोस्तों मैं चला जाऊंगा इंसर्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे है देखिए शेप ऑप्शन, शेप पे जाके मैं लाइन सिलेक्ट कर लूँगा और देखिए यहाँ से मैं कंट्रोल प्रेस करके एक लाइन बना लूँगा इस तरीके से। ओके, अब दोस्तों मैं चला जाऊँगा फॉर्मेट ऑप्शन पे, तो यहाँ पे देखिए शेप आउटलाइन पे जाके मैं कलर सिलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों कलर सिलेक्ट करने के लिए मैं मोर आउटलाइन कलर्स पे चला जाऊँगा और दोस्तों देखिए यहाँ पर है स्टैंडर्ड ऑप्शन, तो स्टैंडर्ड ऑप्शन पे जाके फ़िलहाल मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब दोस्तों मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा फॉर्मेट शेप, तो देखिए यहाँ से मैं विड्थ सिलेक्ट कर लूँगा, तो दोस्तों मैं इस विड्थ को सिलेक्ट कर लेता हूँ 5। ओके, दोस्तों यहाँ पर देखिए कैप टाइप, तो यहाँ पे मैं फ्लैट की जगह पे सिलेक्ट कर लूँगा राउंड। ओके, और इसको मैं कर दूँगा क्लोज, तो आप देख पा रहे हैं ये आपका बन गया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर साइज ऑप्शन है, तो साइज ऑप्शन पे जाके इसको मैं कर दूँगा 0। ओके, अब दोस्तों इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट करूँगा सिंपल Ctrl+C एंड Ctrl+V से। ओके, और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। ओके, अब दोस्तों फिर से मैं लाइन ऑप्शन ले लूँगा और इन दोनों को मैं कर दूँगा जॉइन। ओके, तो दोस्तों यहाँ से मैं फॉर्मेट शेप पे क्लिक करूँगा, फिर से मैं इसको ले लूँगा 5 पॉइंट और दोस्तों कैप टाइप में फ्लैट के जगह पे मैं ले लूँगा राउंड और इसको मैं कर दूँगा क्लोज। अब दोस्तों शेप आउटलाइन पे जाके मैं फिर से इस कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो पोर्शन है आपका बन चुका है। ओके, अब दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ प्लेस करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, तो देखिए ये आपका रेडी हो चुका है। ओके, अब दोस्तों मैं इसको करूँगा सिलेक्ट और यहाँ से मैं चला जाऊँगा फॉर्मेट ऑप्शन पे। ओके, और फॉर्मेट ऑप्शन पे जाके मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरीके से, आप चाहे तो इतना रख सकते हैं। और इसको मैं फिर से सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर लूँगा। ओके, तो दोस्तों इतना सा जो पोर्शन है रेडी हो चुका है।
अब दोस्तों इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको करूंगा सिंपली कॉपी एंड पेस्ट। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर पॉइंट 2007। ओके, अब दोस्तों इसका साइज मैं घटा दूंगा, बस इतना रहने दीजिए, और बॉक्स को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर प्लेस। ओके, अब दोस्तों मैं इस पावर पॉइंट पोर्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और चला जाऊँगा होम ऑप्शन पे, और यहाँ पर देखिए मैं इसका कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और दोस्तों जो 2007 पोर्शन है इसको मैं कर दूंगा रेड कलर में। ओके, आप चाहे तो दूसरा कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब दोस्तों इतना सा जो पोर्शन है आपका रेडी हो चुका है। अब दोस्तों मेन काम है इसमें एनिमेशन डालना, तो दोस्तों अब हम लोग चले जाएंगे एनिमेशन ऑप्शन पे। पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर है देखिए दोस्तों कस्टम एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन में मैं क्लिक करता हूँ, और दोस्तों ऐड इफेक्ट ऑप्शन पे जाके एंट्रांस ऑप्शन है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा वाइप ऑप्शन को। अब दोस्तों डायरेक्शन दिखा रहा है, तो डायरेक्शन पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा फ्रॉम राइट। ओके, और स्पीड आप वेरी फास्ट रहने दीजिए, और स्टार्ट को आप ऑन क्लिक रखने दीजिए। ओके, अब दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर से मैं चला जाऊँगा ऐड इफेक्ट ऑप्शन पे एंट्रांस, और यहाँ पे जाके मैं फिर से वाइप सिलेक्ट कर लूँगा, और दोस्तों इसको मैं कर दूँगा फ्रॉम टॉप। ओके, स्पीड वेरी फास्ट रहने दीजिए, और स्टार्ट के जगह पे आप सिलेक्ट कर लीजिए आफ्टर प्रीवियस। ओके, अब दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से मैं चला जाऊँगा ऐड इफेक्ट ऑप्शन पे, और एंट्रांस पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा वाइप। ओके, अब दोस्तों इसको मैं कर दूंगा फ्रॉम लेफ्ट, और दोस्तों ऑन क्लिक के जगह पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा आफ्टर प्रीवियस। अब देख लेते हैं इसको प्ले करके, तो दोस्तों इतना सा पोर्शन आपका रेडी हो चुका है। अब दोस्तों मैं इस बड़ा टेक्स्ट बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और ऐड इफेक्ट ऑप्शन पे जाके एंट्रांस ऑप्शन पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा फ्लाई इन। ओके, अब दोस्तों डायरेक्शन ऑप्शन पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा फ्रॉम राइट। ओके, वेरी फास्ट रहने दीजिए, और दोस्तों ऑन क्लिक के जगह पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा आफ्टर प्रीवियस। ओके, अब दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ऐड इफेक्ट ऑप्शन पे जाके एंट्रांस ऑप्शन पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा फ्लाई इन। ओके, और फ्रॉम बॉटम पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा फ्रॉम लेफ्ट। ओके, और स्पीड वेरी फास्ट रहने दीजिए। अब दोस्तों स्टार्ट ऑप्शन पे जाके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ विथ प्रीवियस। ओके, तो इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, अब दोस्तों ये जो टेक्स्ट है पावर पॉइंट 2007, तो इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं चला जाऊँगा इंसर्ट ऑप्शन पे, शेप्स ऑप्शन है, और यहाँ पे जाके मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लूँगा, और दोस्तों यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बना लूँगा इस तरीके से। ओके, और दोस्तों फिर से मैं फॉर्मेट पे जाके इसका कलर सिलेक्ट कर लूँगा इसको, और शेप आउटलाइन पे जाके मैं कर दूँगा नो आउटलाइन। ओके, तो देखिए इसके साथ मैच हो चुका है। अब दोस्तों इसको सिलेक्ट करके सेंड टू बैक ऑप्शन में सेंड टू बैक कर देंगे। ओके, अब दोस्तों इसको सिलेक्ट करके इसको भेज देंगे बैक पे, सेंड टू बैक। तो दोस्तों आप देख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों इतना सा पोर्शन आपका रेडी हो चुका है। अब दोस्तों इसको रिवर्स भी हम लोगों को करना है, इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और चला जाऊँगा ऐड इफेक्ट ऑप्शन पे, यहाँ पर देखिए एग्जिट ऑप्शन है, और एग्जिट ऑप्शन पे जाके फिर से मैं वाइप सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और दोस्तों डायरेक्शन पे जगह पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रॉम राइट। ओके, और स्टार्ट पे जगह पे मैं कर देता हूँ आफ्टर प्रीवियस, और दोस्तों इसका बीच में हम लोग कुछ डिले रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा डिले ऑप्शन पे जाके 1.5, और इसको कर दूँगा ओके। ओके, अब दोस्तों इसके बाद
इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऐड इफेक्ट ऑप्शन पे जाके मैं एग्जिट ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ वाइप। ओके तो दोस्तों ये परफेक्ट है। और स्टार्ट के जगह पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा आफ्टर प्रीवियस। ओके अब दोस्तों इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और दोस्तों यहाँ पर भी मैं ऐड इफेक्ट ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट कर लूँगा एग्जिट वाइप और डायरेक्शन पे जगह पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा फ्रॉम लेफ्ट। ओके और दोस्तों स्टार्ट पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा आफ्टर प्रीवियस। तो इसको मैं फिर से देख लेता हूँ। तो इतना सा पोर्शन रेडी हो चुका है। अब दोस्तों इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ऐड इफेक्ट ऑप्शन पे जाके एग्जिट पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा फ्लाई आउट और डायरेक्शन मैं कर दूँगा टू राइट और ऑन क्लिक के जगह पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा आफ्टर प्रीवियस। फिर से मैं इस छोटा टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लूँगा, ऐड इफेक्ट ऑप्शन पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा एग्जिट, एग्जिट पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा फ्लाई आउट। अब मैं डायरेक्शन पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा टू लेफ्ट। ओके और दोस्तों ऑन क्लिक के जगह पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा विथ प्रीवियस। ओके तो दोस्तों पूरा जो एनिमेशन है आपका रेडी हो चुका है। तो इसका हम लोग प्रीव्यू देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप PowerPoint 2007 को यूज करके इस तरीके से आप टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं। ओके तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।